सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में दो गेम प्ले रहेगा, इसके बाद वाला जो गेम प्ले होगा ना उसमें एक कार स्प्रे आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक ही एमसी एक बंदे को जो बाइक से उतारूंगा ना भाई, वो वाला शॉर्ट देख के आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रिकॉल कार्ड लेने के बाद मैं बंदा ढूंढ ही रहा था, लेकिन मेरे को कोई बंदा मिलता नहीं। जैसे ही मैं ड्रॉप पे आता हूँ ना, ये वाला बंदा भी ड्रॉप लूटने के लिए आया था। ये वाला बंदा को मारता हूँ, इसको मारने का दूसरा ड्रॉप भी आ गया, तो वहाँ पर मैं आ जाता हूँ, तो वहाँ पर और एक बंदा आ जाता है। अब ये वाला बंदा भी ड्रॉप लूटने के लिए आता है, लेकिन मैं इसको इजीली पेटी बना देता हूँ। इसको मारने के बाद गाय लेके ये वाला टेम्पल पर आ गया था। यहाँ पर सामने से दो बंदे की फाइट हो जाता है। अगर यहाँ पर बग्गी को मैं थोड़ी सी लेफ्ट साइड कर लेता ना, तो ये दो किल मेरे को मिल जाता, लेकिन यहाँ पर एक बंदा बच रहा था। यहाँ पर पहले गन रिलोड करता हूँ, उसके बाद ये वाला बंदे से फाइट लेने के लिए जाता हूँ। अब पता नहीं ये वाला बंदा ओपन में लूटने के लिए क्यों आता, क्योंकि ये दोनों जब फाइट ले रहा था तब मैं बग्गी लेके आया था, इसको पता भी था कि मैं यहाँ पर आके होल्ड कर रहा हूँ, तब भी ये वाला बंदा ओपन में लूटने के लिए आता, लेकिन मैं ये वाला बंदे को इजीली पेटी बना देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जिस बंदे को मैंने मारा था ना, उसके पास रिकॉल हो तो दोबारा रिकॉल होके आया था यहाँ पर मेरे से बदला लेने के लिए। अब ये वाला बंदे को ज्यादा लूट तो नहीं होता, लेकिन ये वाला बंदा यहाँ पर सामने साइड जाके रुक गया था, और यहाँ पर मेरी गन भी रिलोड आने वाला था, इसलिए कवर के अंदर आके गन को पहले रिलोड कर लेता हूँ। अब जैसे ही इसके कान में साउंड आता ना कि मैं गन रिलोड कर रहा हूँ, तभी ये वाला बंदा रश करने के लिए आता है। ये वाला बंदे को भी इजीली पेटी बना देता हूँ। इसको मारने के बाद यहाँ पर मेरा शॉर्ट ओकन हो गया, तो उसके बाद फ्लेयर चला के मैं बी आर टीम लेकर सीधा जोन के अंदर आके ये वाला लोकेशन होल्ड कर रहा था। अब ये वाला बंदे का रोटेशन तो आता है, यहाँ पर मेरे को डर लग रहा था कि इसके पास शॉर्ट गन हो, इसलिए मैं बी आर टीम के अंदर आके चुपचाप बैठ जाता हूँ। अब ये वाला बंदा यहाँ से बचकर तो चला गया था, लेकिन यहाँ पर ऊपर के साइड एक बंदा आ गया था जो कि मेरे बी आर डी एम का हालात यहाँ पर खराब कर देता है। अब ये वाला बंदा मेरे बी आर डी एम का हालात तो यहाँ पर खराब कर दिया था, लेकिन इसको मैं जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। और कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि मेरे सेकंड वाला चैनल पर मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, लेकिन कुछ दिक्कत हो रखा भाई, वो वाला दिक्कत जो है मैं सॉल्व भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो वाला प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होगा ना, एक दो दिन के अंदर मैं लाइव स्ट्रीम चालू कर दूंगा। ये वाला बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मेरे 7 किल हो गए, तब सिर्फ 8 ही बंदा बच रहा था, जोन भी मेरे पास ही था। यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ, तभी सामने से एक बंदा स्पॉट होता है। अगर यहाँ पर मेरे पास M4 होता ना, शायद ये वाला बंदों को मार देता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ये बंदा भी मेरे हत्ते ही चढ़ने वाला। अभी के लिए जोन आगे साइड बन गया, तो मैं गाय लेकर पहले जोन के अंदर जाता हूँ। अब ये वाला बंदा सैक के अंदर होल्ड करके बैठा होता है, ये वाला बंदे को तो मैंने मार दिया था, लेकिन यहाँ पर और एक बंदे का फुटस्टेप आता जो कि घर के ऊपर होता है। ये वाला बंदा को मारने के बाद यहाँ पर मेरा 9 किल हो गया, तब सिर्फ 2 ही बंदा बच रहा था, दोनों का लोकेशन मेरे को पता होता ही नहीं है। अभी के लिए मेरे पास जोन होता है, ये वाला लोकेशन मैं होल्ड कर ही रहा था, तभी यहाँ पर ये वाला बंदे का फुटस्टेप आता है। ये वाला बंदा को मारने के बाद 10 किल हो गए, तब सिर्फ 1 ही बंदा बच रहा था, उसका लोकेशन मेरे को पता होता ही नहीं है। अभी के लिए जोन के अंदर था और वेब शूटर होता है मेरे पास, इसलिए ये वाला जो टैंकी होता है ना, इसके ऊपर चढ़ने का मैं ट्राई करता हूँ, तभी सामने साइड ये वाला बंदा स्पॉट हो जाता है। अब ये वाला बंदा सामने साइड होता है, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रिक्स लेना नहीं चाहता था, इसलिए ये वाला बंदे को ग्रेनेड से मारने का ट्राई करता हूँ। ये वाला बंदे को मारने के बाद 11 किल के साथ मेरे को चिकन डिनर मिल गया था, लेकिन ये वाला मैच में ना स्टार्टिंग में मैं मर गया था, इसलिए यहाँ पर आके होल्ड कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी वाला जो स्प्रे है ना, वो देखने वाला, ये वाला अगर स्प्रे अगर अच्छा लगे ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।
यहाँ पर सीन ऐसा होता है कि मैं स्टार्टिंग में मर गया तो उसके बाद यहाँ पर आईपैड को साइड में रख मैं कुछ काम करता था, तभी यहाँ पर ये वाला बंदे का रोटेशन आता है। अगर ये वाला स्प्रे आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और कल के डेट में एक गेम खेला था उसमें मैं 15 किल के साथ चिकन डिनर निकालता, उसमें जोन भी बहुत अच्छा खासा मेरा साथ देता, लेकिन यहाँ पर ये वाला मैच में जोन साथ देता ही नहीं है। यहाँ पर बंदा तो था लेकिन ये वाला बंदे को जो डीबीएस का एक हेडशॉट पड़ा ना, इसको गन चलाने का मौका भी बिल्कुल भी मिलता नहीं। यहाँ पर ये वाला बंदे को मार दिया था लेकिन यहाँ पर सामने साइड से एक बग्गी वाले का रोटेशन आता है। ये वाला बंदे को मारने के बाद 4 किल हो गए, तो स्टार्टिंग में अगर आप मरते नहीं हो तो भाई किल अच्छा खासा हो जाता, लेकिन ये वाले मैच में ज्यादा किल तो नहीं होता और चिकन डिनर भी नहीं होता। हो पता ना भाई, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अभी के लिए जोन मेरे पास होता है, यहाँ पर होल्ड कर रहा था, तभी सामने साइड से ये वाला बंदा BRDM लेके आता है। अब मैं तो जोन के अंदर था लेकिन ये वाला बंदा जोन के बाहर होता है, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ पर बैठ गया था। जैसे ही जोन स्टार्ट होगा ये वाला बंदे को तो आना ही पड़ेगा, तब ये वाला बंदे को मैं मारूंगा। अब ये वाला बंदा जैसे ही मेरे को स्पॉट होता ना, तभी मैं ये वाला बंदे को पेटी बना देता हूं। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही बंदा बच रहा था, चिकन किसलिए नहीं होता यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर जोन भी आगे साइड बन गया था, मेरे को जोन के अंदर जाना था और सांप बन के बिल्कुल भी मेरे को खेलना आता ही नहीं। मेरे पास तो गाड़ी था, मैंने सोचा था कि गाड़ी लेकर जाऊंगा, लेकिन एक बंदा यहाँ पर मेरे गाड़ी के ऊपर कैंप करके बैठा होता है। अब यहाँ पर टोटल 2 बंदा होते हैं ना, जिसमें से एक बंदा मेरे यहाँ पर गाड़ी कैम करके बैठा हुआ था और एक बंदा होता है जो कि राइट साइड यहाँ पर फ्लेयर चलाया था। अब राइट वाला बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड जो बंदा होता है ना, वो वाला बंदा क्या दिमाग लगा के आता है देखने यहाँ पर। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट साइड जो बंदा है ना उधर ही होगा, इसलिए उसको नेट से मारने के मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा राइट साइड आके मेरी पिटी बना देता है। कमेंट में बताना आज का गेम प्ले आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।